आगे चलें तो मोदी जी की कुछ खबर ले लें। मोदी जी आज घूम फिर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये आदमी घूमता ही रहता है। मोदी जी बच्चों के पास पहुंच गए और देखिए साहब क्या हो रहा है, क्या गजब रेडिकलाइजेशन है, जरा देखिए। संस्कृत सिखाई जा रही है साहब, लाहौर पे बिल्ला कूदत हो रहा है और आप लोग कह रहे हो, बताओ। मोदी जी कह रहे हैं वाह। अरे वाह कहने से पहले बर्नौल का स्टॉक तो देख लेते सर। संस्कृत पढ़ाओगे आप इस देश में बच्चों को, उनका क्या होगा? यो मैन कूल ड्यूड्स, अंग्रेजी आने पर ही हम इंटेलिजेंट होते हैं वरना सब गधे होते हैं। सच्चाई ये है कि जितने अंग्रेजी वाले हैं वो गधे रहते हैं और हिंदी वाले नेता मंत्री बनकर उन पर राज करते हैं, वो उनके जूते चमका रहे होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे आइए। भाई ढोल बज रहा है, प्रधानमंत्री को मजा आ रहा है। नहीं तो आपका बच्चा भी तो कर लेता होगा ऐसा, प्रधानमंत्री के पास जाके वो भी कर लेगा। ओ ऊ अंटवा, मैं तो भूल ही गया था, सॉरी। आपका बच्चा तो अंग्रेजी मीडियम में जाता। ढोल, अरे बिग नो नो सर, कैसी बात कर दी, गिटार बजाओ गिटार। ये ढोल बोल क्या होता है, गिटार बजाएंगे गिटार। मेरा बच्चा तो गिटार बजाता है, हमको बोलने में से करके बोलना पड़ेगा ना, जो हमारी किटी पार्टी है उसमें। यस, तो ढोल वोल मत बजाओ। हाँ खैर, ढोल बजाने वाले बच्चे प्रधानमंत्री के साथ हैं, गिटार वाले किटी वाली पार्टी वाली आंटी के पास में। शाबाश भाई, इस लड़के ने वाकई में मजा बांध दिया यार, आनंद आ गया। इस ढोल में आनंद आया कि नहीं आया? वैसे जिन लोगों को यह इशारा समझ में ना आया उनसे एक निवेदन है, कल अपने शहर में ढोल बजाने वाले ढूंढ लीजिएगा, नाम पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है। एक बार फिर से कह देता हूँ, कल अपने शहर में ढोल बजाने वाले ढूंढ लीजिएगा, उनके नाम पूछ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या स्थिति है। आपकी शादी ब्याह से लेकर हर चीज़ में ढोल बजाया जाता, पारंपरिक है, लेकिन अब आपके ढोल बजाने वाले नहीं है, अब आप दूसरों से बुलवाते हो। तुम बजा दो भैया, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, नकल ट्राई कर लेना। हाँ कंगन को आर सी क्या है ना, कन्हा जी मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, ढोल बजाने वाला चाहिए, मालूम चल जाएगा कितने ढोल वाले आपके। खैर आइए, मौलाना मोदी बताओ, अब ये बच्चा नमाज पढ़ रहा है उसको पास में बुला लिया मौलाना मोदी ने, कह रहा मेरे पास में आओ इधर फोटो दिखाओ, बताओ कैसा मौलाना भाई। मुझे समझ में नहीं आता ये आदमी करना क्या चाहता है भाई साहब, बताइए। शिव तांडव स्तोत्र बच्चों को आता है, सरस्वती पूजा, क्या बोलूं साहब। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब या तो हम लोगों को काम करना ही नहीं आता, या फिर मोदी ने दो चार से क्लोन करा रखे हैं अपने बच्चों के लिए। मैं इस जरा सा टिकली सा काम करके है ना समय नहीं निकाल पाता, और ये भाई साहब देश का प्रधानमंत्री हो गया, हम इनकी न्यूज़ दिखाते हैं और ये वो करते हैं दिन भर में, इसके बावजूद इनके पास इतना समय निकल कहाँ से आता है, क्या मैनेजमेंट है भाई टाइम का, कमाल है। योगा भी करवा दिया, अरे राम, अरे गजब रे गजब। ये जो आप देख रहे हो ना सर, ये ट्रेलर है एक्चुअली,
ये भारत के आने वाले यूथ हैं, ये भारत का आने वाला यूथ है, जो ऐ गिरी नंदिनी ये गा रहा है, जो शिव तांडव स्त्रोतम गा रहा है, जो सरस्वती वंदना गा रहा है, वो आज वाला नहीं होगा, जो आज वाला यो मैन एवल नहीं होगा, एवल तो अंदर चले गए, ठीक है। तो ये आने वाला भारत है जिसकी तैयारी हो रही है, और अगर आपका बच्चा इसके साथ अलाइन नहीं है ना सर, तो ठीक उसी प्रॉब्लम में फंसेगा जिस प्रॉब्लम से मैं गुजरा हूँ। अलाइनमेंट बैठा लीजिएगा, ठीक है। अब मैं किस प्रॉब्लम से गुजरा हूँ, इंग्लिश मीडियम में पढ़े थे, मिशनरीज से पढ़े थे, बाहर निकल के आए तो एनवायरनमेंट ही दूसरा, समझ में नहीं आया हुआ क्या। जिस एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देने जाओ तो हिंदी में पेपर रखा बाबा, अंग्रेजी में तुमको पूछ कौन रहा है। ऐसी बुरी स्थिति थी कि पूछिए मत। मुझे आज तक याद आता है कि जब मैं सेंट्रल स्कूल का एग्जाम देने गया, पिताजी लेके गए, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा टीचर से, मैंने कहा क्या करना, तो बोले गुणा करना है। एंड आई केम बैक टू माय सीट और मैं बैठ गया और मैं सब प्लस कराया। तो पिताजी पूछे ये जवाब कैसे आया तुम्हारा, मैंने कहा वो बोले तो गुणा करना है, तो बोले गुणा क्या, मैंने कहा प्लस करना होगा। तो इतनी बुरी स्थिति रहती है इंग्लिश मीडियम वालों की ना, मैंने अपने से आपको एग्जाम्पल एक बताया, ठीक है। तो थोड़ा सा इंग्लिश बहुत अच्छी बात है, भाषा के तौर पर आनी चाहिए, कोई विरोध नहीं है, लेकिन हिंदी आना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, संस्कृत आना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है, अपनी लोकल लैंग्वेज आना उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तो जिन लोगों को शर्म आती लोकल लैंग्वेज बोलने में या संस्कृत बोलने में, थोड़ा सा एक बार विचार कर लें। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे के माध्यम से सपोर्ट करना, कॉन्ट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम UPI एड्रेस है nshuklain@upi। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/nitinshukla पर और paypal.me/nitinshukla GWL पर कंट्रीब्यूट कर दे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल टू रिसीव अ नोटिफिकेशन एवरी टाइम अ वीडियो इज अपलोडेड। इफ यू लाइक टू कंट्रीब्यूट टू द चैनल, यू कैन कंट्रीब्यूट टू patreon.com/sanathani, paypal.me/sanathani।